कुत्ते की मौत मरे हैं वापड़ा वाले। एक हफ्ते से इधर की लाइट नहीं है और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीओ के पास जा रहे हैं, एसडीओ भी चूतिया बना रहा है। एक सीएन को एसडीओ को पता ही नहीं है तो रिजोल्व कैसे हो रही है ये कंप्लेंट। नमाज पढ़ने नहीं, पानी होगा तो कोई नमाज पढ़ने भी आएगा। बिल्कुल लाइट नहीं है, मस्जिद देख लो, वीरान घर देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक रहे हैं, ठीक है, ये देखो चेहरा देखो, दाने निकल गए हैं। इधर रोडों पे खड़े हुए हैं हम लोग और इन बेगर्दों को, इन जालिमों को कोई एहसास नहीं है, कोई जरा सा भी एहसास। इनको सिर्फ तनख्वाह चाहिए इनकी भरी हुई, बिल पहले दे दो इनको, बस बिल पहले आएंगे इनके, दमादम। ये हराम खोर एक नंबर के नस्ल है, हराम ये लोग, ये जितनी जल्दी हो सके ये मरें, कुत्ते की मौत मरें वापड़ा वाले। 5 दिन हो गए हैं, ये PS 63 है और UC 133 है, हसीन प्लाजा 4 नंबर, ये मेन चौक के ऊपर 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से जो ना ये ट्रांसफार्मर गया हुआ है, उसके बाद जो ना आज अभी आज ये पता चला है कि एक्सीएन साहब मेमन साहब हैं, उन्होंने बोला है कि हमने ये आपका ट्रांसफार्मर रिलीज़ कर दिया है, लेकिन वो इसका LSA जावेद माइकल जो कि हाली रोड के अंदर होता था, जिसका अभी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया, जावेद माइकल को हमने कॉल करिए तो जावेद माइकल बोलता है कि मैं कराची में हूँ, यहाँ पर मस्जिद के अंदर पानी नहीं है और लोगों के घरों के अंदर पानी ख़त्म हो गया है, 5 दिन से ये पूरा इलाका खाली हो चुका है, लोग यहाँ पर बच्चों लोग के बच्चे यहाँ से नकलवानी कर चुके हैं। कंप्लेंट पोर्टल बनाया है उन्होंने, किस लिए बनाया है ये, जब कंप्लेन की सुनवाई हो ही नहीं रही है, ऑटोमेटिक वो रिजोल्व का ऑप्शन दे रहा है, तो ये कैसे रिजोल्व हो रही है कंप्लेन ऑटोमेटिक, जब किसी एक CN को SDA को पता ही नहीं है तो रिजोल्व कैसे हो रही है ये कंप्लेन। मैं बस अरबाब इख्तियार से यही कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी बुजुर्गों पे, औरतों पे और बच्चों पे रहम करें, मेहरबानी करके जल्द से जल्द इस मसले को हल कराएं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी नूरानी जामा मस्जिद में पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, आप हजरात से गुजारिश है जो बड़े हैं यहाँ के, मस्जिद कम से कम 4 दिन हो गए बंद पड़ी हुई है, कोई नमाज़ पढ़ने नहीं, पानी होगा तो कोई नमाज़ पढ़ने भी आएगा, लाइट होगी तो कोई नमाज़ पढ़ने भी आएगा, कुछ खुदा का खौफ करो, ख्याल करो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और एक हफ्ते से इधर की लाइट नहीं है और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, SDO के पास जा रहे हैं, SDO भी चूतिया बना रहा है, 2 ट्रांसफार्मर इधर के उड़े हुए हैं, एक ये भी उड़ा हुआ है, एक उधर का उड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी इधर की, लोग घर में हैं ना, घरवाली लेडीज़ परेशान हैं सबकी, सब बच्चे परेशान हैं, कहाँ जाएं हम, किसको बोलें।